नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सेप्टोलॉजी डीबंकिंग मिथोलॉजी। आपका सेप्टोलॉजी इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन आज हम सीखेंगे डॉक्टर शैलेंद्र कुमार जी से कि व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ महाराज दुलीप सिंह और क्यों एंग्लो वो महाराज रंजीत सिंह के आखिरी उस पीढ़ी के आखिरी राजा थे सिखों के। सो विदाउट डिले लेट्स वेलकम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार। नमस्ते। नमस्ते और आपके सारे दर्शकों को, संसार भर में फैले दर्शकों को सादर प्रणाम। बहुत अच्छा लग रहा है कुछ दिन के बाद हम मिल रहे हैं। जैसा आपने कहा, आरंभ करते हैं जगत गुरु को याद करते हुए। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये आदित्य जी, ये अपने आप में बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण वार्ता है जो हम करने जा रहे हैं। विषय इतना महत्वपूर्ण है कि दो तीन आपको झलकियां दूं उससे आपको समझ में आ जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह लगभग 40 वर्ष तक बहुत बड़े साम्राज्य के सम्राट रहे। आज का जो पंजाब है उसको ले लीजिए, पाकिस्तान में जो पंजाब है उसको ले लीजिए, सिंध का हिस्सा ले लीजिए, बलूचिस्तान का हिस्सा ले लीजिए, अफगानिस्तान का हिस्सा ले लीजिए, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और तिब्बत का भी हिस्सा, इतना बड़ा विशाल क्षेत्र का सम्राट महाराजा रणजीत सिंह। महाराजा रणजीत सिंह का इतना बड़ा जो विशाल क्षेत्र है, उसकी एक दूसरी विशेषता यह है आदित्य जी कि भारत वर्ष में जब अंग्रेजों ने पैर पसारने शुरू किए तो उसका अंत इसी साम्राज्य के साथ हुआ। बिल्कुल। जो महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य है अर्थात पंजाब है, बड़ा पंजाब, वो 1848-49 में जो है पूरी तरह अंग्रेजों के अधीन आता है। और उसके बाद आप जानते ही हैं कि 1857 में हमारे यहां बहुत बड़ा संग्राम होता है, फिर हमारी चेतना जागृत होती है और 90 वर्षों के अंदर अंग्रेज हमारे यहां से भाग खड़े होते हैं। तो पंजाब जो क्षेत्र है उस पर अंग्रेजों का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष सबसे कम समय तक शासन रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ही चैनल पे मैंने वो एक वार्ता की थी बंगाल के अकाल को लेकर। तो बंगाल, उड़ीसा और बिहार का दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र पर सबसे लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन रहा और वो सबसे अधिक निर्धन रहे और आज भी हैं कुछ हद तक। लेकिन ये पंजाब का जो क्षेत्र है ये बहुत बाद में अंग्रेजों के अधीन आता है। मेरा प्रश्न यह नहीं है, प्रश्न यह है कि क्या कारण है कि इतने बड़े साम्राज्य का सम्राट, और महाराजा रणजीत सिंह के विषय में मैं बताऊं, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 27 जून 1839 में, और एक प्रकार से उनकी मृत्यु के 5-6 वर्ष के अंदर ही एक प्रकार से समझिए कि उस पूरे पंजाब पर अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का शासन हो जाता है। औपचारिक रूप से उसकी घोषणा होती है 1849 को, लेकिन वो 53-54 से ही वो एक हिसाब से उस पर कब्जा कर लेते। तो दो प्रश्न यहां उठते हैं कि क्या इतना बड़ा जो साम्राज्य था वो ताश की पत्तों की तरह क्यों ढह जाता है। देखिए, मराठों ने जब युद्ध किया तो कई कई युद्ध हुए और दशकों लग गए उनको पराजित करने में। मतलब टीपू सुल्तान जैसे आदमी ने भी, वो कहते हैं मैसूर वॉर 1 और 2 ऐसे करके वॉर हुआ, लेकिन ये इतना बड़ा साम्राज्य क्यों ताश की पत्तों की तरह ढह जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण जो पहलू है जिस पर आज हमारी वार्ता केंद्रित है वो ये है कि इतने बड़े सम्राट का जो पुत्र है जिसको महाराजा बनाया जाता है, जो मात्र 11 और 12 वर्ष का भी नहीं होता है,
कि उसको ईसाई बना दिया जाता है। अब देखिए आदित्य जी, आप पूरे भारत का इतिहास ध्यान से देखिए, कहीं और किसी बड़े राजा के साथ ऐसा नहीं होता है कि उसको ईसाई बना दिया जाए। वो भी 11-12 वर्ष का जो बालक है उसको आप अबोध कहेंगे। बपतिस्मा जो कराते हैं सामान्यतः ईसाई, वो भी 14 साल पे कराते हैं। तो प्रश्न यह उठता है कि पंजाब में ऐसा क्या था, उस साम्राज्य में ऐसा क्या था कि जिसको हड़पने में अंग्रेजों को बहुत अधिक परेशानी नहीं आई। दूसरा यह कि उसके राजा को ही ईसाई बना दिया जाता है, और बना देने के बाद दूसरी बात समझिए आदित्य जी, वो और महत्वपूर्ण है, उस बालक को, जो बालक राजा है 11-12 वर्ष का, उसको भारत से निकाल दिया जाता है। उस बालक को अंग्रेज उठाकर ले जाते हैं इंग्लैंड, और वहां की जो महारानी है उसके पास वो रहता है। सफोक नामक एक जगह है इंग्लैंड में, तो वहां पर एक छोटा सा एरिया है जिसको रियासत बना के दे दिया जाता है। और बाद में इस लड़के की जो माता जी हैं अर्थात महारानी, जो पंजाब में जब अंग्रेजों का आक्रमण आदि हो रहा है तो वो भाग के नेपाल चली जाती हैं, कालांतर में वह भी अपने बेटे के पास चली जाती है। कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के समय ये जो महाराजा दलीप सिंह है वो भारत आते भी हैं थोड़े समय के लिए, फिर चले जाते। और आश्चर्य की बात यह है कि उधर ही ये बेचारे महाराजा दलीप सिंह मर जाते हैं एक ईसाई के रूप में। तो जब मैं इस कथा को सुनता था, जानता था, इतिहास के कहिए कि छात्र होने के नाते, तो मैं बड़ा अचंभित होता था कि भाई जो गुरु गोविंद सिंह का खालसा पंथ था और जिसके आधार पर महाराजा रणजीत सिंह ने इतना बड़ा साम्राज्य बना लिया, उस साम्राज्य का ढहना, और ढहने के बाद उसका जो महाराजा है उत्तराधिकारी है उसको ईसाई बना देना, उसको इंग्लैंड भेज देना, अर्थात देश से निर्वासित कर देना, यह हमें आश्चर्यजनक घटना लगती। भारत इतना विशाल देश है, इतने राजा महाराजा हुए, लेकिन किसी अन्य के साथ हम ऐसी घटना नहीं सुनते, ऐसी बात नहीं सुनते। और ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य है, बहुत बड़ा। तो क्या कारण था? तो मेरा प्रश्न यहां पे आदित्य जी यही है जिस पर हम वार्ता करेंगे, विमर्श करेंगे, कि क्या जो सिख थे उस समय उनमें आक्रोश नहीं आया, उनका रक्त नहीं उबला, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध क्यों नहीं किया? वे अपने सिख पंथ के लिए, जिसके लिए जान गंवाने के लिए वो विख्यात हैं, वो सारी बातें कहां चली गई, कहां चली गई? तो इसको मैं लंबे समय तक घूमता धुनता रहा और फिर जो है अध्ययन करने में लगा। आश्चर्य की बात बताऊं आपको आदित्य जी, कि मुझे एक पुस्तक मिली जिसका नाम है सिखों का इतिहास। उसके लेखक हैं खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह अपने समय के बहुत बड़े पत्रकार माने जाते थे, और हम लोग तो हाल फिलहाल तक आप समझिए भारत में जो लोग रह रहे हैं उनके अंग्रेजी अखबारों में, अन्य अखबारों में उनके लेख छपा करते थे, हम लोग पढ़ा करते थे। और बड़े दीर्घजीवी होकर के लगभग 100 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ है अभी हाल में ही दिल्ली में। आप जहां आते हैं अम्बेसडर होटल में रहते हैं, उसी के बगल में सुजान सिंह पार्क है जिसमें उनका घर है। तो खुशवंत सिंह के जो पिताजी थे, उन्होंने दिल्ली जब राजधानी आई थी कलकत्ता से, तो राजधानी के निर्माण में यानी भवन निर्माण में वो बहुत बड़े ठेकेदार थे और उनका बड़ा नाम है। हालांकि उनके लिए वैसा कहा जाता है कि वो बड़े अंग्रेज से मिले थे, और इसलिए बहुत सारे सिख ऐसे हैं राष्ट्रभक्त जो उनको उस रूप में भी देखते हैं। जैसा भी हो, जो भी हो, अब वस्तुस्थिति यह है कि उन्होंने सिखों का इतिहास पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के मैं कुछ आपको अंश दिखाऊंगा
तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, महाराजा दलीप सिंह को लेकर के मुश्किल से एक दो वाक्य में जो ये खुशवंत सिंह है वो उनको निपटा देते हैं। अब वो कितना ज्यादा मतलब कहिए कि अजीबोगरीब बात है कि क्यों इतना हल्के में वो लेते हैं, इतना हल्के में लेना आश्चर्य में डालता है। वो बताते हैं जब वो जो ये ईसाई मिशनरी जब वहां पर बहुत बड़े बड़े लोगों को इधर उधर करने के लिए ईसाई बनाने में लगे हुए थे, उसी संदर्भ में क्या कहते हैं, ईसाई मिशनरियों की सबसे बड़ी जीत थी 1853 में महाराजा दलीप सिंह का धर्म परिवर्तन करके उन्हें ईसाई बनाना। ये वाक्य खुशवंत सिंह का है। आगे लिखते हैं, सिखों के लिए यह एक असहनीय झटका था। ठीक है, आगे एक और वाक्य है कि उसी वर्ष 1853 में जब महाराजा दलीप सिंह को ईसाई बनाया जाता है तो उसी वर्ष अमृतसर में एक ईसाई मिशन स्कूल खोला गया। 9 धर्मांतरित व्यक्ति के से उत्साह के साथ देश निर्वासित, इस समय तक दलीप सिंह देश से बाहर चले गए थे, देश निर्वासित महाराजा ने इस ईसाई विद्यालय को सहायता का आश्वासन दिया। अब देखिए, एक 12 वर्ष का बालक है, आपने उसको ईसाई बना दिया, वो इंग्लैंड चला गया, वो वहां रह रहा है, लेकिन अमृतसर में जो एक विद्यालय खुल रहा है ईसाइयों के द्वारा, उस विद्यालय को सहायता देने का वो वचन दे रहा, आश्वासन दे रहा। कुल मिलाकर खुशवंत सिंह इतना ही लिखते हैं महाराजा दलीप सिंह के ईसाई बनाने की घटना के विषय में। जो ये वाक्य लिखते हैं कि सिखों के लिए यह एक असहनीय झटका था, तो झटका असहनीय है, सहनयोग्य नहीं है, तो जब सहा ही नहीं झटके को तो किया क्या। इस विषय में खुशवंत सिंह मौन है। यह आश्चर्य में डालने वाली बात है, आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि सिख पंथ ऐसा क्यों हो गया, सिख पंथ ने कोई आवाज क्यों नहीं उठाई, वो सड़क पे क्यों नहीं आए। जबकि सच्चाई यह है कि इसी देश में महाराजा दलीप सिंह के लिए लोग सड़क पे आए, और वो कौन सी जगह थी, वो जगह थी वाराणसी। एक पुस्तक मेरे हाथ लगी है, उस पुस्तक के लेखक हैं विनायक गजानन कानिटकर। ये मराठी साहित्य के बहुत बड़े पुरोधा हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, 60-65-70 पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, और इस पुस्तक का नाम है होरपल। होरपल का अर्थ होता है झुलसा देना, अग्नि, इस तरह से। 1857 का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम कह लीजिए है, उसकी पृष्ठभूमि में ये पुस्तक लिखी गई। अब देखिए, आनंद की बात क्या है कि 1857 की पृष्ठभूमि बन रही है, बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश का हिस्सा, थोड़ा सा राजस्थान, थोड़ा सा हरियाणा, दिल्ली का हिस्सा, इस सब में सुगाहट है, लोगों में तैयारी है। उस बीच में महाराजा दलीप सिंह को पंजाब से वाराणसी लाया जाता है। अब देखिए कि महत्वपूर्ण बात क्या है कि ये घटना कानिटकर लिख रहे हैं मराठी में अपनी पुस्तक में। अब देखिए, जो कि सिख नहीं है, दूरी कितनी है, वो महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं, घटना पंजाब की है, लिख रहे हो वाराणसी के विषय में, लेकिन वो विस्तार से लिखते हैं, वो वर्णन करते हैं कि 14 वर्ष का महाराजा रंजीत सिंह, जिसको ये कहते हैं पंजाब का राजकुमार, जिस व्यक्ति को ईसाई बनाया गया था थोड़े ही दिन पहले, आगे वर्णन करते हैं कि इस व्यक्ति का बपतिस्मा फतेहगढ़ के महल में, के राजमहल में किया गया। किसके द्वारा? तो फादर जे के द्वारा।
आगे रेवरेंट लगा हुआ है, मैं रेवरेंट नहीं कहता क्योंकि मैं मानता ही नहीं हूं सम्मानजनक व्यक्ति होता है जो मतांतरण कराता है। मैं मानता हूं कि वो बहुत नीच प्रकृति का व्यक्ति होता है, मनुष्योचित व्यवहार उसका नहीं, उसके लिए मैं रेवरेंट नहीं बोलता। तो फादर जे ने कराया। महाराजा दलीप सिंह के विषय में ये बात वहां चल रही थी कि एक सप्ताह में वह महाराजा दलीप सिंह फादर जे के साथ वाराणसी पधार रहे हैं। उस समय के का जो एक जय नारायण कॉलेज था उसके प्रिंसिपल ने वहां का जो लोकल फादर स्मिथ है क्रिश्चियन, उसको इस विषय में जानकारी देते हैं। इसमें रोचक बात यह होती है कि वाराणसी में एक ब्राह्मण है, उनका नाम है नीलकंठ शास्त्री। यह व्यक्ति अजीबोगरीब मानसिकता का व्यक्ति है, ये हिंदू धर्म शास्त्रों का अपने आप को पंडित मानता है, लेकिन ये जो स्मिथ है फादर स्मिथ, जिससे बातचीत करते 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 उसको लगने लगता है कि शायद क्रिश्चियनिटी में कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे से अच्छे हैं। विशेषकर वो देखता है नीलकंठ शास्त्री नामक व्यक्ति की हमारे यहाँ जाति है और ये है वो है। अब उस व्यक्ति को नीलकंठ शास्त्री ने इंग्लैंड तो देखा नहीं, इंग्लैंड में ईसाइयों के साथ क्या होता है ये उसको पता नहीं है। बाद में उसको पता होता है, बाद में वो इंग्लैंड जाता है, उसको सब पता चलता है कि वो कितना बड़ा फ्रॉड है, कितना बड़ा छलिया है, लेकिन उस समय उसको नहीं पता लगता। देखिए हमारे यहाँ जो ईसाई मिशनरी जब शुरू शुरू में आए तो जो जैसा पेंट करते थे जैसे लगता था वो स्वर्ग वाले किसी देश से आ रहे हैं, वहां पे सब लोग समान जीवन जीते हैं, किसी का कोई शोषण नहीं करता, कुछ नहीं करता, और भारत में सारी असमानताएं हैं, दुष्टताएं हैं, पिशाच रह रहे हैं और उनको सुधारने का काम मेरा है। लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं बताया कि इंग्लैंड में क्या हो रहा है। भाई आज भी इंग्लैंड में सारे लोग अच्छे नहीं है, बहुत दुष्ट होंगे, हैं भी, आप जानते हैं इस बात को। इतने बड़े बड़े जो लोग पैसे लेके भाग जाते हैं इंग्लैंड में, वो छूटते नहीं है, वो वहां पर रहते हैं बड़े आराम से, उनका कानून उसका समर्थन करता है। यदि आपने गलत भी किया हो लेकिन 2-4 करोड़ रुपए लेके इंग्लैंड में पहुंच जाइए, आपका स्वागत होगा। तो चलिए, तो बात यहां यह होती है कि फादर स्मिथ जो है वो नीलकंठ शास्त्री से कहता है कि तुमको इंग्लैंड जाना होगा। क्यों जाना होगा? कि महाराजा दलीप सिंह को का तुम ट्यूटर बन जाओगे। अब तुम इंग्लैंड में ही रहोगे कम से कम 3 वर्ष तक, और महाराजा दलीप सिंह को तुम हिंदी सिखाओगे और संस्कृत सिखाओगे। हमारे लिए आदित्य जी यह जानना भी बड़ा आवश्यक है कि ये जो महाराजा रणजीत सिंह का बड़ा साम्राज्य था वो अर्ध इस्लामी साम्राज्य था। अर्ध इस्लामी इस रूप में मैं कह रहा हूं कि वहां राजकाज की भाषा फारसी थी, लिपि जो आज अरबी कहिए, फारसी कहिए, उर्दू कहिए, वो लिपि थी, और अपना जो साहित्य था उसका भी अध्ययन वगैरह करते नहीं थे ये सिख अधिक, और वो रम गए थे उसी इस्लामी और उसी परंपरा में। तो आप देखिए महाराजा दलीप सिंह जो एक इतने बड़े सम्राट का बेटा है, वो न हिंदी जानता है ना संस्कृत के एक अक्षर से उसको परिचय है। तो बात ये होती कि उसको इंग्लैंड भेजा जाए। अब देखिए असली चीज क्या है कि यह वाराणसी में जिस समय जिस दिन ये घोषणा होती है कि महाराजा दलीप सिंह बाहर निकलेंगे, पूरा शहर जाम हो जाता है, भीड़ इकट्ठी हो जाती है, और इस पुस्तक में विस्तार से वर्णन है कि महाराजा दलीप सिंह जिस गली से निकलेंगे, घोड़े पे निकलेंगे, कैसे निकलेंगे, लोग घेरे हुए, और वो जो अग्नि ज्वलित हो रही है आदित्य जी उत्तर प्रदेश दिल्ली बिहार जैसे क्षेत्र में, कि उनको एक भय होता है कि भाई कोई ना कोई हमें पकड़ के ईसाई बना देगा, उसके विरुद्ध आक्रोश, इतना भयंकर आक्रोश पैदा होता है कि मैं तो मानता हूं इस बात को कि 1857 का जो संग्राम है उसके मूल में हमारा धर्म था, क्योंकि तो लोगों को लग गया था कि हमारे धर्म को छिन्न भिन्न करने के लिए ये अंग्रेज लगे हुए हैं, और अंग्रेज जो अधिकारी थे और ये जो चर्च के पादरी थे, ये दोनों में सांठगांठ होती थी और ये मतांतरण कराते थे। तो वह जो आक्रोश था स्थानीय, महाराजा दलीप सिंह को देखकर वो आक्रोश और बढ़ जाता है, और वहां पर एक घटना भी घटती है। घटना यह घटती है कि ये जो पादरी एंड कंपनी ये लोग खड़े हैं, उनके ऊपर पत्थरबाजी होती है,
बहुत सारे लोगों के सर फट जाते हैं। अब मेरा प्रश्न यह उठता एक उठता है कि आप मुझे ये बताइए कि जब ये पुस्तक कानिटकर साहब ने लिखी है मराठी में, जिसमें इतना वर्णन है उस महाराजा दलीप सिंह को लेकर के स्वाभाविक आक्रोश है, जो बाद में 1857 के कहिए कि आंदोलन में या संग्राम में परिणत हो जाता है, फिर पंजाब में क्यों नहीं होता है? और यही मेरा प्रश्न है कि पंजाब में सिखों का रक्त क्यों नहीं उगला? और इतना ही नहीं है, मैं आपको बताऊं, आश्चर्य की बात है कि महाराजा दलीप सिंह को तो ईसाई बना दिया, लेकिन एक आश्चर्यजनक तथ्य है जिसके विषय में मैं आपको बता रहा हूं कि शायद भारतवर्ष में 100 में से एक को पता हो या ना हो, या 1000 में से कुछ लोगों को पता हो, ऐसी सूचना मैं आपको दे रहा हूं जो मुझे भी बड़ी नई लगी। और मैंने आदरणीय पंकज जी से भी इस विषय में बातचीत की, तो संयोग से वो इतने ज्ञानी हैं कि उनको इस बात की जानकारी थी। तो मैं बहुत आश्चर्यचकित रहा कि ये पंजाब में क्या हो रहा है। अब मैं आपको ये दिखाता हूं, ये खुशवंत सिंह ने लिखा है, खुशवंत सिंह के ही शब्दों में, कि मुझे ये मालूम नहीं था कि खुशवंत सिंह ने इतिहास में पढ़ा नहीं उनको, तो मुझे ये बिल्कुल मालूम नहीं था उन्होंने इतिहास में इतना लिखा है। बहुत लिखा है खुशवंत सिंह, बहुत बड़ा लिखा आदमी था, लिखने में उस आदमी का कोई वो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि आपको लगेगा कि वो बहुत समय अंग्रेजों की के तरफ है, वो जो कि उनका परिवार ही था, उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन फिर भी बहुत, जितना वो सिखों के विषय में खुल के बोलते हैं, बहुत सिख नहीं बोल पाएंगे। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि एक दो राज परिवार है और पंजाब में, एक राज परिवार का नाम है कपूरथला। तो कपूरथला का जो मुख्य राजा था, उस राजा का एक भाई था हरनाम सिंह, संभवतः नाम है, मैं अभी नाम देख के बता दूंगा। तो हरनाम सिंह के राजा, हरनाम सिंह मतलब उसको भी राजा की संभवतः पद मिला हुआ था, या राजा ही लिखते हैं वो, तो राजा होगा मुझे लगता है। तो राजा हरनाम सिंह जो है, उनके घर में जो व्यक्ति हुए हैं, तो उनमें एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति महिला है, उसका नाम है राजकुमारी अमृत कौर। राजकुमारी अमृत कौर, आदित्य जी, यदि आप भारत में इधर उधर कहीं घूमेंगे तो ये नाम आपको खूब मिल जाएगा, क्योंकि तो दिल्ली में जो, हाँ मिल गया मेरे पास, लिखा है कि कपूरथला के महाराजा के भाई राजा हरनाम सिंह का परिवार था, यह परिवार ईसाई हो गया। राजा हरनाम सिंह के बेटे बेटियां जो है वो बड़े बड़े पदों तक पहुंची हैं। अमृत कौर जो मैं नाम दे रहा था, ये गांधी की मित्र थी, और केंद्र सरकार में, मतलब पहली जो सरकार बनी है स्वतंत्रता के बाद, उसमें स्वास्थ्य मंत्री रही हैं। और सबसे बड़े जो अभी आश्चर्य की बात है, सुखद आश्चर्य की, अगर आप दिल्ली इधर उधर घूमते हैं तो हमारा जो एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, उसमें जब भी आप गेट से घुसेंगे तो घुसते ही आपको जो पहली बिल्डिंग मिलेगी, जिसका नाम ओपीडी है, और काफी पुरानी बिल्डिंग है वो, और हमारे देश का सबसे बड़ा अस्पताल है पुराना, जिसका नाम मैं ले रहा हूं, उस बिल्डिंग का नाम ही है राजकुमारी अमृत कौर, क्योंकि वो देश पहली स्वास्थ्य मंत्री थी। लेकिन आप देखिए, आपको लज्जास्पद बात मैं बता रहा हूं कि यह जानकारी किसी को क्यों नहीं दी गई कि वह स्त्री ईसाई थी, कहीं नहीं मिलेगा आपको। और गांधी की परम मित्र थी,
जो व्यक्ति उस समय गांधी से जिसकी मित्रता हो और जिसको जवाहरलाल नेहरू ने अपने कैबिनेट में स्थान दिया हो, वह व्यक्ति ईसाई है, यह हमारे लिए घोर आश्चर्य की बात है। और आश्चर्य इसलिए है कि 70 वर्ष बीतने के बाद मुझे जानकारी हो रही है, मुझे नहीं जानकारी थी, किसी को नहीं बताया गया, क्योंकि नाम तो बदला नहीं, राजकुमारी अमृत कौर नाम हो गया। और भी आश्चर्य की बात सुनिए, केंद्र ये महाराजा सिंह, उनका जो एक बेटा है उसका नाम है महाराज सिंह मुंबई के गवर्नर रहे। अब मुझे यह नहीं समझ में आ रहा है, खुशवंत सिंह ने जो पुस्तक लिखी है ये मुंबई लिख रहे हैं, हो सकता है बॉम्बे प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं वो, क्योंकि ये मुंबई शब्द खुशवंत सिंह की पुस्तक का नाम क्या है? सिखों का इतिहास। अच्छा अच्छा ओके। अब आप देखिए, मैं जो कह रहा हूं आदित्य जी, आप समझिए, आप तो महाराष्ट्र के हैं, क्योंकि गवर्नर मुंबई का नहीं होता है, आज होता है महाराष्ट्र का गवर्नर। जब ये लिख रहे गवर्नर मुंबई, इसका मतलब है बॉम्बे प्रेसिडेंसी, जब तक महाराष्ट्र एक अलग स्टेट नहीं बना था, और उस समय मुंबई प्रेसिडेंसी में गुजरात और महाराष्ट्र दोनों थे। ये जब राज्यों का बंटवारा हुआ है तब जाकर के वो महाराष्ट्र बना है। अच्छा, इसके बाद और देखिए, और उनका जो भाई है एक और बेटा हरनाम सिंह का, उसका नाम भी दलीप सिंह है, और वह दलीप सिंह पंजाब हाई कोर्ट का जज बनता है। अब आपको तस्वीर देखिए, ये एक ऐसा साम्राज्य जिसमें महाराजा रणजीत सिंह को मरते देर नहीं लगती, और कैसी कैसी चीजें वहां हो रही है। आगे देखिए, खुशवंत सिंह लिखते हैं कि ईसाइयत अपनाने वालों में सर्वप्रसिद्ध जो सिख थे वो रामपुर पटियाला राज्य के सिख जट साधु सुंदर सिंह, उनका नाम ही है साधु सुंदर सिंह, और वह एक आध्यात्म ज्ञानी साधु भी थे। अब मैं कहना यह चाह रहा हूं आदित्य जी कि इस बुक के तीन वॉल्यूम है, लोग सर्च कर सकते हैं, हिस्ट्री ऑफ सिख्स बाय खुशवंत सिंह। हाँ, तो इसमें नहीं, लेकिन वो मैं अंग्रेजी का नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी की किताब पढ़ रहा हूं जिसका नाम है सिखों का इतिहास, ठीक है। और जितनी बातें मैं कर रहा हूं वो समझिए 80-85 पेज नंबर से लेके 100-125 पेज नंबर के बीच में एक दो अध्याय है जिनको लेकर के पढ़ के मैं ये बातें कर रहा हूं, क्योंकि तो उसमें सारे अध्यायों में बहुत बात तक की बातें घटनाएं उन्होंने लिखी है खुशवंत सिंह ने, उनको मैंने नहीं लिया। तो अब मेरा प्रश्न उठता है आदित्य कि ये जो सिख अपने आप में पंथ है जिसने गुरु गोविंद सिंह के समय या उसके पहले अपना घोर बलिदान दिया, उस समाज की ऐसी दशा या दुर्दशा क्यों हुई, और इसको आज की परिस्थिति जोड़े तो और थोड़ा सा समझ में आता है, आज भी वो पंजाब क्यों इतनी आसानी से ईसाई बन रहा है और जिनमें अधिकांश सिख होते हैं। तो थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं तो कुछ बातें समझने के लिए, समझाने के लिए, और हमें आनंद भी आएगा। जैसा मैंने आरंभ में ही कहा कि महाराजा रणजीत सिंह का निधन होता है 27 जून 1839 तक, लेकिन ऐसा नहीं है कि 1839 में जब उनका निधन होता है तो उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। दो तीन जो कमियां हैं महाराजा रणजीत सिंह में वो हमें जाननी चाहिए। पहली कमी तो ये है कि महाराजा रणजीत सिंह अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। दूसरी कमी ये थी कि वो अफीम खाते थे, अफीमची थे, और यह जो दुर्गुण है, इनका बेटा जो बड़ा बेटा था जो थोड़े समय के लिए राज सिंहासन पर बैठा थी, उसका नाम था खड़क सिंह, तो खड़क सिंह में भी यही बीमारी थी कि वो भी अफीम का नशेड़ी था। देखिए, किसी राजा के लिए, और आप तो बहुत बढ़िया से परिचित हैं,
हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में जैसे राजा की बात की गई है लगातार, महाभारत में, रामायण में, पुराणों में, अन्य अनेक शास्त्रों में, तो वो ये कहा गया है कि राजा का पद सरल नहीं होता है। मनु महाराज को दिया गया था दायित्व, तो वो दायित्व छोड़ के भाग रहे थे, कह रहे थे कि नहीं ये काम मैं नहीं कर पाऊंगा। तो ये जो एक बात है, आपको हिंदू राजा बहुत कम मिलेंगे जो अनपढ़ होंगे। अनपढ़ होना अपने आप में बहुत बड़ा दुर्गुण था महाराजा रणजीत सिंह के साथ, क्योंकि जो गुरु हुए हैं सिखों में, लगभग सारे के सारे गुरु अध्ययनशील थे, कवि थे, योद्धा भी थे, लेकिन कवि होना, लिखना, भाषा, भाव, साहित्य सबसे अपने आप को संपृक्त रखना, संबंधित रखना, जुड़े रहना, तो बहुत बड़ा गुण होता है। गुरु गोविंद सिंह ने 13 पुस्तकें लिखी है। इस तरह का कोई गुण इनमें नहीं था। जो सहज बुद्धि थी, सलाहकार थे, सुझाव देने वाले थे, योद्धा थे, अवश्य इसमें कोई दो राय नहीं, बहुत युद्ध किए, जीते। उसमें भी एक बात लोग कहते हैं, खुशवंत सिंह तो कहते हैं कि आरंभ में ही इन्होंने युद्ध किए थे, एक समय आया जब उस युद्ध पर रोक लग गई, सैनिक बढ़ गए, युद्ध नहीं थे, तो सैनिक भी अपने आप में एक झमेला बन गए कि कितना वेतन दिया जाए, क्या दिया जाए, और इनकी जो वित्तीय व्यवस्था थी बाद में चरमरा गई, उसका एक कारण यह भी था। तो आरंभ में सैनिक युद्धाभ्यास हुआ, युद्ध हुए, बाद में नहीं हुआ, क्योंकि आगे बढ़ने की फिर कोई इनके लिए, इनको लगता था कि हमारे पास कोई और गुंजाइश नहीं है, और कोई हमारे अंदर क्षमता नहीं है, या जो भी उन्होंने समझा होगा, जहां पर रोक लगा। तो ये दो बड़ी कमियां थी इनके अंदर। तो कहते हैं कि महाराजा रणजीत सिंह अपने पीछे 7 बेटे छोड़ गए थे। सबसे बड़ा बेटा खड़ग सिंह सबसे अधिक अयोग्य था। वह मंद बुद्धि होने के अतिरिक्त अपने पिता से भी अधिक अफीम का नशेड़ी था। खड़ग सिंह का कहना था, जब ये महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई तो खड़ग सिंह का कहना था कि वो क्यों राजा बनेगा, तो खड़ग सिंह का तर्क था कि शेष सभी पुत्र, अब आप नाम सुनिए पुत्र के, शेर सिंह, तारा सिंह, कश्मीरा सिंह, पेशौरा सिंह, मुल्ताना सिंह, दलीप सिंह, इन सब का पितृत्व संदिग्ध था। ये दावा किसका है, सबसे बड़े बेटे खड़ग सिंह का, कि जो 6 बेटे हैं बाकी, इनका पितृत्व संदिग्ध है, इसलिए मैं ही अकेला उत्तराधिकारी हूं। लेकिन मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना है कि महाराजा रणजीत सिंह का नाम हो गया रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह तो चलिए संस्कृत शब्द है, बढ़िया शब्द है, लेकिन अपने बेटे यदि ये पढ़े लिखे होते या पढ़े लिखे समाज में होते, तो क्या बेटों का नाम रखते, एक राजा अपने बेटों का नाम ऐसा रखेगा, शेर सिंह, तारा सिंह, कश्मीरा सिंह, पेशौरा सिंह, मुल्ताना सिंह और दलीप सिंह। तो ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि भाषा, शास्त्र, साहित्य, इन चीजों से बहुत कम उनका लगाव रहा होगा। जो भी हो, 1840 में एक वर्ष के बाद ही खड़ग सिंह की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में मैं आपको बताऊं कि जो वहां पे दरबारी लोग थे, जिनमें कई गुट हो गए, एक सिख गुट था, एक हिंदू गुट था, हिंदू गुट में वो लोग थे जो पंजाब, कश्मीर और जम्मू पर शासन कर रहे थे, डोगरा जिनको कहा जाता है, डोगरा राजपूत, कुछ मुसलमान लोग मिलके गुट बना रहे थे, जिनमें बलूची थे, पठानी थे, पता नहीं पठान थे, और तरह तरह के लोग थे। इनमें आपस में झगड़ा होता था, मारकाट होती थी, कभी कभी 30, 40, 50, 200, 400 लोग मारे जाते थे, और ये सत्ता का संघर्ष जो है वो निरंतर चलता रहा। और ये पूरा का पूरा जो साम्राज्य है, जैसे मैंने आरंभ में कहा, ताश के पत्तों की तरह ढह गया। क्यों? कि बगल में, उधर अफगानिस्तान में और इधर हमारी तरफ, दोनों तरफ से अंग्रेज सब कुछ कहानी देखते रहो, अंग्रेज अपना अपना अपनी भूमिका अदा करते रहे, कोई ना कोई पार्टी जो इधर हारती थी भाग के चली जाती थी अंग्रेज के पास, अंग्रेज उससे कुछ लेता था, फिर कुछ भिड़ता था, कुछ उसमें से बंदरबाट करने में कुछ ले लेता था। परिणाम यह हुआ,
कि लाहौर की संधि हुई 11 मार्च 1846, अर्थात 1840 में खड़ग सिंह की मृत्यु होती उसके 6 वर्ष के उपरांत ही, मात्र 6 वर्ष। और 6 वर्ष में ही आप समझिए कि पंजाब अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। अब जो कुछ होता है पंजाब में वो नाम मात्र का साम्राज्य है, नाम मात्र का राज्य है और नाम मात्र का जो है वहां पे हिसाब किताब। एक और संधि होती है भैरोवाल की 16 दिसंबर 1846 में ही, उसमें कहा जाता है कि ब्रिटिश सरकार ने महाराजा के अल्पवयस्क रहते उनकी सुरक्षा प्रशासन की व्यवस्था का दायित्व अपने ऊपर ले लिया। ये नौटंकी है, अपने ऊपर ले लिया है मतलब पूरा राजकाज मैं देख रहा हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं देख रहा हूं, ये तो अल्पवयस्क बच्चा है इसलिए कोई बात। परिणाम क्या हुआ कि 3 वर्ष के बाद, मात्र 3 वर्ष के बाद 29 मार्च 1849 को किले में अंग्रेजों द्वारा एक दरबार लगाया गया लाहौर के किले में। इसमें सिखों के साम्राज्य के अंत की घोषणा कर दी गई। महाराजा दलीप सिंह ने कोहिनूर हीरा अंग्रेजों के हाथ में धरा और अपने यशस्वी पिता के सिंहासन से नीचे उतर आए फिर कभी इस पर न बैठने के लिए। यह 29 मार्च 1849 की घटना है जो अंतिम बार जो सिंहासन है उस पर दलीप सिंह बैठे थे, उसके बाद से कभी नहीं बैठे। वहां से निकाला गया उनको, फतेहगढ़ महल में उनको ईसाई बनाया गया, फिर उनको वाराणसी ले जाया गया, वाराणसी कुछ दिन रखा गया और वहां से आगे बढ़कर जहाज के रास्ते उनको इंग्लैंड पहुंचा दिया गया। वहीं इंग्लैंड में उनकी उत्तरी यूरोप में कहीं मृत्यु हो गई फ्रांस में और उनका कोई नामो निशान नहीं रहा। पूरा जीवन वो ईसाई की तरह ही रहे। कुछ लोगों का कहना है कि वो पत्र कुछ लोगों को लिखा था उन्होंने कि उनकी इच्छा थी कि वो सिख मत में हो जाते, वापस आ जाते, लेकिन फिर क्यों नहीं आए, क्या मजबूरी थी भगवान। तो अब हमारे लिए जानने की बात क्या है, जानने की बात बहुत है। पहली बात तो यह है कि इस घटना के उपरांत अंग्रेजों ने बड़े बड़े खेल किए और अंग्रेजों ने वो खेल किए जिससे सिख पंथ जो है उसकी जो मणि है वो उतार ली, उसका जो मनोबल है हर लिया, उसका जो आत्मविश्वास था उसको चूर चूर कर दिया। परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ कि जब पंजाब का अधिग्रहण हो गया, शेष भारत की तरह नहीं, शेष भारत में अंग्रेज वहां के लोगों को अपना शत्रु मानते थे, पंजाब के लोगों ने शत्रु नहीं माना। पंजाब में मुसलमानों को, हिंदुओं को और सिखों को अलग अलग तरह से अलग अलग काम में उलझाया और बहुत दिया। यदि कहीं कम दिया तो हिंदुओं को कम दिया, क्योंकि हिंदुओं के साथ विशेषता यह थी जो खुशवंत सिंह लिखते हैं कि हिंदू पूरे उस महाराजा रणजीत सिंह के साम्राज्य के क्षेत्र में सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग थे। तो सर्वाधिक पढ़े लिखे लोग थे तो अंग्रेजों ने उनको अपने शासन प्रशासन में क्लर्क आदि जो भी बना सकते थे उनमें ले लिया। मुसलमानों को उन्होंने पुलिस में लगा दिया और सिखों को उन्होंने फौज में लगा दिया। फौज में लगाने के दो कारण थे। पहला कारण तो यह था कि महाराजा रणजीत सिंह के भी राज्य में फौज में बड़ी संख्या में थे सिख, तो यदि वो कंटिन्यू कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं, तो उनमें आक्रोश नहीं होगा, चोर नहीं होगा, उनकी नौकरी रह गई। दूसरा जो कारण था जो खुशवंत सिंह लिखते हैं वो कारण यह था कि हिंदुओं की तुलना में तो छोड़िए मुसलमानों से भी कम पढ़े लिखे सिख थे। सिख बहुत कम पढ़ा लिखा समाज था, जिस पर कई बार खुशवंत सिंह ने लिखा है और ये मैं मानता हूं विशेषकर कि सिखों के पढ़े लिखे न होने के कारण उस समय से लेकर के अंग्रेजों ने इनको जैसे नचाया जैसे घुमाए घूमते रहे और इनको कुछ ना कुछ चुग्गा फेंकते रहे अंग्रेज और उस चुग्गे को ये लेते रह गए।
तो पहला तो जो लिटमस टेस्ट था वो था 1857 का संग्राम। उस संग्राम में आप ये समझिए दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था जहां सबसे अधिक संग्राम हुआ था, सबसे अधिक रक्त बहा था, सबसे अधिक कहिए कि अंग्रेज के विरुद्ध लोग आए थे अपना बलिदान देने, उनको शांत करने के लिए, उनका दमन करने के लिए, बल्कि कहें उनका संहार करने के लिए सबसे बड़ा जो फौज का जत्था था वो पंजाब के सिखों का था। तो एक हिसाब से सिखों ने अपने ही देश में अपने ही लोगों को मारा काटा, और इस मार काट के बाद अंग्रेजों के ये बन गए विश्वस्त, इतने विश्वस्त बन गए कि अंग्रेजों ने इनका नामकरण कर दिया मार्शल रेस। अब देखिए मजे की बात, जिन लोगों ने अंग्रेजों को मारा पीटा, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन किया, वो हो गया नॉन मार्शल, अर्थात जो लड़ने के योग्य नहीं है, और उन लोगों को लड़ने के योग्य माना जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया। अब क्या हुआ, अंग्रेजों को और भी विश्वास हो गया कि धन्य भाग मेरे ये पंजाब के सिख जिनके कारण हमारा साम्राज्य भारत में बचा रह गया। कृतज्ञता ज्ञापन करने के लिए अब इन्होंने और खुल के देना शुरू किया। पंजाब की जो भूमि है वहां पे 5 नदियां अवश्य बहती हैं लेकिन वर्षा कम होती है, और इन अंग्रेजों ने नहरें खुदवाई, जल की सिंचाई का प्रबंध कराया। परिणाम क्या हो गया, परिणाम यह हो गया कि अंग्रेजों के रहते ही भारतवर्ष में पंजाब अनाज का गोदाम बन गया। फिर से याद कीजिए हमारी वार्ता बंगाल की, जहां अकाल पड़ा हुआ है, पंजाब में अकाल नहीं पड़ता। तो ये अंग्रेजों ने किया, स्कूल खुलवाए, अस्पताल खुलवाए, तरह तरह की जो क्रियाविधियां होती हैं कराई ताकि लोग वहां के खुशहाल रहे, और बड़ी संख्या में चूंकि उनको फौज में भर्ती कर ली गई तो बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी भी मिल गई। उसके हिसाब से जिसके जिसके परिवार से कोई फौजी गया था उसका परिवार भी खुशहाल हो गया। तो यह जो संबंध बना है सिखों का और अंग्रेजों का, ये बड़ा निकट का संबंध रहा है हमारे देश में, और इसमें जो सिख पंथ है उसको इन्होंने कहिए कि दांव पर लगा दिया। सिख पंथ का कोई महत्व नहीं रहा। अब इसके लिए कुछ उदाहरण दूंगा तो बात और स्पष्ट हो जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये है कि एक अब आप देखिए, ये सिंह सभा के बारे में है, सिंह सभा के बारे में कुछ बताएंगे हम आगे, यहां पर बताना बड़ा उपयुक्त लग रहा है कि सिंह सभा द्वारा, सिंह सभा अंग्रेज मतलब सिखों की सभा जो 19वीं शताब्दी में सभा बनी है, जैसे हमारे यहाँ आर्य समाज बनी, ब्रह्मो समाज बना, ये बना वो बना, उसी तरीके से सिखों ने भी बनाना आरंभ किया, क्योंकि बोला तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो सिंह सभा द्वारा अंग्रेजों के प्रति निष्ठा जताते हुए कैसी चापलूसी की जा रही थी, ये खुशवंत सिंह के शब्द हैं, कैसी चापलूसी की जा रही थी स्वर्ण मंदिर के अध्यक्ष मान सिंह के माध्यम से श्री गुरु सिंह सभा द्वारा लॉर्ड रिपन की विदाई पर भेजे गए संदेश से ही जाना जा सकता है। अर्थात सिंह सभा द्वारा अंग्रेजों की कैसी चापलूसी की जा रही थी वो इस घटना द्वारा जाना जा सकता है। क्या कह रहे हैं सज्जन, हमारी संस्थाएं ब्रिटिश सरकार की अपनी मिल्कियत है, हमारी संस्थाएं सिख संस्थाएं ब्रिटिश सरकार की अपनी मिल्कियत है, वैसे भी हम संस्कार पूर्वक एवं पूरी निष्ठा से हर मैजेस्टी रानी जो इंग्लैंड की है की सेवा के लिए वचनबद्ध हैं कि आपके प्रति अपना कर्तव्य निभाने में हम अमर ईश्वर, अमर ईश्वर किसको कहते हैं, लिविंग गॉड, केवल ईसाई जो है मानते अपने जीसस को, उसी का ये हिंदी अनुवाद बना है अमर ईश्वर,
और अपने महान गुरुओं की इच्छाओं के अनुसार चलें। गुरुओं के अनुसार चलें ये बाद में है, पहले है कि तुम्हारे गॉड के हिसाब से चलें। हम हर मजेस्टी की प्रजा में सबसे आगे रहना चाहते हैं। आप देखिए होड़ लगी हुई है चापलूसी की, और ब्रिटिश राजतंत्र का सम्मान सहेजे रहना। It's 10 o'clock. आगे 7 फरवरी 1885 का ट्रिब्यून लिखता है कि कम ही लोग जानते होंगे कि गुरु ग्रंथ साहब में प्रतिपादित सिद्धांतों में कैथोलिक ईसाई मत के सिद्धांत भी अंतर्निहित हैं। अब आप देखिए, अब क्या कहना है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूं आदित्य जी कि इसमें और बहुत सारी बातें हैं जिन पर करना करते करते बहुत समय लग जाएगा। अब मैं अपनी विवेचना आपके समक्ष रखता हूं, दर्शकों के समक्ष रखता हूं। देखिए, जो सिख पंथ है वो वस्तुतः हिंदू धर्म जो इतना सनातन है, जो लाखों वर्षों से, उससे छिटका हुआ निकला हुआ तत्व है, अपनी मूल से निकल गया है। और मूल से निकल कर भी यदि वो मूल के निकट रहता तो शायद संभवतः जैसे सिंचाई में कुछ पानी चला जाता है वो संपर्क से वो हरा भरा होता, लेकिन उसने उस मूल को छोड़ दिया। चाहे वो खालसा पंथ के नाम पर हो या जो भी हो, लेकिन मूल छोड़ते ही ये दुर्बल हो गए। यहां तक कि जो अंग्रेज हैं वो स्वयं भी लिखते हैं, अंग्रेज भी लिखते हैं कि ये बड़े अनपढ़ लोग हैं और सिख पंथ ही गिरावट में जा रहा है। कारण क्या है? वो कम पढ़ा लिखा समाज है, संस्कृत का अभ्यास नहीं किया, हमारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। इसलिए आप अपने ही देश में रह के यदि आप सनातन को ही ठीक से नहीं जान समझ पाए, और कोई आप नई बात ले आते हैं दो चार लोगों के बीच में उसे कहना शुरू कर देते हैं, आप मूर्ति पूजा की निंदा करने लग जाते हैं, आप मंदिर से, जबकि आपका जो पहला मंदिर है उसका नाम मंदिर है, पता नहीं फिर गुरुद्वारा कहां से ले आते हैं। आरंभ में मनबुल के गुरुद्वारों में मंदिरों में वो देवी देवताओं की मूर्तियां होती हैं, कालांतर में आप हटा देते हैं। और आप देखिए कि कैसी कैसी कैसा चिंतन है, जो सिख है वो सिंह है, सबका सरनेम एक कर दो, सबका उपनाम एक कर दो, सिंह कर दो, उसे क्या हो जाएगा? सबके माथे पे पगड़ी बांध दो, उसे क्या हो जाएगा? अरे आपका पंथ यही है कि पगड़ी हटी तो पंथ गायब, सिंह नाम गायब तो पंथ गायब। अब परिणाम यह हुआ कि इतना करने पर भी जो जातिगत भेदभाव थे हिंदू समाज में, यदि कहें कि उसमें कम हो गया तो हुआ भी नहीं। और आज तो वो उनकी और दुर्गति है, दुर्गति इस सेंस में है कि आज जो बचे कुचे लोग हैं वो भी ईसाई बनने जा रहे। तो मूल बात यह थी जो मैंने दिखाने का प्रयास किया आदित्य जी। अब सारी चीजों को एक साथ जोड़ के देखिए कि पहला तो आपका जो मूल है, संस्थानिक रूप जिसको कहते हैं, संस्था के रूप में जो पंथ है वो आपका कमजोर है, दुर्बल है। यही कारण है कि अंग्रेजों ने भांप लिया कि यदि महाराजा दलीप सिंह को हम ईसाई बना देते हैं कोई कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि यह काम उसने किसी हिंदू राजा के साथ क्यों नहीं किया, किसी मुसलमान के साथ क्यों नहीं किया, किसी सिख, और वो भी महानतम सिखों के इतिहास में एक ही साम्राज्य हुआ, वो है महाराजा रणजीत सिंह का। और महाराजा रणजीत सिंह के 40 साल के शासन के बाद जो राजा बनता है वो महाराजा दलीप सिंह, और आपने उसको बलात 12 साल के बच्चे को ईसाई बनाया भारतवर्ष में। मान लीजिए होता कि बच्चे को उठा के इंग्लैंड ले जाते वहां ईसाई, नहीं, आपकी छाती पर मूंग दली दला गया, फतेहगढ़ में उसको बच्चे को ईसाई बनाया गया। और पंजाब से अधिक आक्रोश तो वाराणसी के लोकल लोगों ने दिखाया, आपने वह कुछ भी नहीं किया। और उसी का परिणाम हुआ कि चाहे कपूरथला का राजा हो या पटियाला का राजा हो, राज परिवार हो, उसके जो परिवार के लोग हैं एक के बाद एक करके ईसाई बन गए और चोरी छिपे बने, ऐसे बने किसी को ज्ञात भी नहीं हुआ, जैसे हमारे जैसे लोगों को पता नहीं चला। तो आज मेरा प्रश्न है और निवेदन भी है कि इस विषय पर सभी विद्वानों को विचार करना चाहिए कि ऐसा क्या हुआ था सिखों में कि
कि सिखों का रक्त नहीं उबला, सिख सड़क पर नहीं आए, सिख क्रांति करने नहीं आए, सिख आंदोलन करने नहीं आए, जबकि ये उनके इतिहास का सबसे बड़ा पांथिक आघात था। उनके पंथ पर इतना बड़ा आघात कभी नहीं हुआ था। उसके एक महाराजा के बेटे को ईसाई बना दिया गया। अरे जिस गुरु ने जान दे दी दिल्ली में औरंगजेब के समय, क्या एक भी सिख उस समय नहीं था इस युग की जो जाके लड़ता अंग्रेजों से? लेकिन उसके बाद तो परंपरा बन गई कि जो सिख गुरुद्वारा एक पंथ के रूप में जो संस्था है वो अंग्रेजों की पिछलग्गू बन गई। और खुशवंत सिंह ने सही लिखा कि इस चापलूसी का अंत नहीं था। अरे लॉर्ड रिपन जा रहा है, आपको क्या क्या मतलब था ऐसा कहने की? क्या गुरु नानक देव को अच्छा लगेगा ये जान करके कि गुरु ग्रंथ साहिब में कैथोलिक ईसाई का मत रखा हुआ है? उनको अच्छा लगेगा या गुरु गोविंद सिंह को अच्छा लगेगा? कैसा उनके मन प्राण में क्या लगेगा, वो जहां होंगे क्या छटपटाते होंगे? तो मेरा विषय यही था आदित्य जी, मुझे लगा कि जब मुझे बहुत कम इस बारे में ज्ञान है तो संभवतः बहुत लोगों को कुछ भी नहीं पता होगा। तो मैं मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था, आपको ऐसे पता लगा? हाँ, तो मैंने फिर अध्ययन करना आरंभ किया, ये सब पुस्तकें मेरे हाथ लगी, मैं पढ़ता गया। इसीलिए मैंने आपको उस दिन ही बताया था कि इस पर मैं वार्ता रखूंगा। आशा है दर्शक इसको पसंद करेंगे और अपने विचार भी रखेंगे, क्योंकि ये मैं मानता हूं कि इतिहास की घटना केवल नहीं है। एक्चुअली क्या है कि बोलिए, मैं दर्शकों को बोलना चाहता हूँ, थोड़ा वॉइस क्वालिटी इस वीडियो में ठीक नहीं है, लेकिन मैं इसको एडिट करवा के करूंगा, बट ध्यान से पूरा वीडियो देखिए, महाराज दलीप सिंह के बारे में सुनिए और ओपन माइंड से सुनिए प्लीज। आप दोनों, आप कुछ भी जजमेंट्स पे नहीं आइए पूरा शो देखने से पहले, क्योंकि इसमें हम खुशवंत सिंह ऑथर को कोट कर रहे हैं और उन्हीं की बुक्स के आधार पर प्रेजेंट किया जा रहा है। तो अगर आपको कोई समझ में ना आया तो उनके बुक्स भी आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं, बट पूरे शो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चंस होंगे कमेंट्स में आप लिखिए, तो वी विल बी एबल टू आंसर देम। अच्छा, मुझे एक बात आप बताइए, सिर्फ एक बात। जो आज जो चल रहा है, वी सी व्हाट इज गोइंग ऑन, जो खालिस्तान का विषय सब चल रहा है, क्या इसकी उपज भी इसी तरह से हुई है ब्रिटिश के द्वारा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये देखिए, जो जब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, तो उससे पहले मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था और उसी से बाद में पाकिस्तान बना। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये है आदित्य जी कि एक क्षेत्र में, जैसे मान लीजिए महाराष्ट्र में आपका रायगढ़ इलाका है या कोई भी इलाका ले लीजिए, औरंगाबाद है, तो उसको यदि हमने डिक्लेयर कर दिया कि मुसलमानों के लिए है, तो वहां के मुसलमान ही वोट देंगे मुसलमान कैंडिडेट, अर्थात वहां जो हिंदू होंगे वो वोट नहीं देंगे। ये बहुत बड़ा गलत कदम था इसका अंग्रेजों का। तो परिणाम क्या होता हुआ कि मुसलमान डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज नंबर में जीत गए, जो कि वो पॉपुलेशन वाइज नहीं जीत सकते। जैसे आज की बात बता, आज फेयर सिस्टम ये है हमारे देश में कि 15% लगभग मुसलमान है पूरे भारतवर्ष में, तो 15% यदि लोकसभा के सदस्य बनेंगे संसद में, तो इसका मतलब है कि लगभग 60-65 सीटें उनको मिलनी चाहिए मुसलमानों की, लेकिन वो 65 सीटें आज तक नहीं मिली हैं। क्यों नहीं मिली हैं? कि जिस क्षेत्र में मुसलमान मात्र 2%, मात्र 4% है, वहां तो उसका कैंडिडेट ही नहीं खड़ा होगा, क्योंकि तो उसको मालूम है कि 2-4% से हम जीतेंगे नहीं। तो ये जो कम प्रतिशत वाले क्षेत्र हैं उनमें मुसलमान होते हैं, लेकिन मुसलमान कैंडिडेट को वोट देके जिताने की क्षमता नहीं होती। तो लोकतांत्रिक सिस्टम में ऐसा ही होता है, लेकिन अंग्रेजों ने उसको उल्टा कर दिया था कि अगर 4% मुसलमान है, मुसलमान कैंडिडेट केवल 4% लोग वोट देंगे, 96% लोग वोट ही नहीं देंगे। अब आप देखिए कमाल की बात कि जब ये मुसलमानों को मिला, तो इसके बाद सिख जो है दूसरा समुदाय बन गया जिसने ये मांग की इंग्लैंड में जाकर के, और एक बार नहीं, दो दो तीन तीन बार राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस,
और वहीं से खालिस्तान का की मांग शुरू हो गई और खालिस्तान इनके मन में बैठ गया। बाद में क्या हुआ कि सुंदरता प्राप्ति के बाद आप देखेंगे कि जो सरदार हैं किसान ये सिख हैं भारतवर्ष में, ये मुख्यतः दो जगह जाते हैं, या एक इंग्लैंड जाते हैं, कनाडा जाते हैं। क्यों जाते हैं? तो इंग्लैंड और कनाडा भी और कुछ ऑस्ट्रेलिया गए, तो ये कॉमनवेल्थ के मेंबर्स हैं, ब्रिटिश डोमिनियन है। तो कुछ लोगों को ब्रिटिश सरकार ने आजादी मिलने के बाद सिखों को स्पेशल ट्रीटमेंट दिया, क्योंकि इनको कहा गया कि भाई तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, हमारी फौज में रहे हो, हमारे लिए जान दी है। और कुछ लोगों को सिखों को तो यहां तक डरता, जो एक दो सिख विद्वान है वो मानते हैं कि चूंकि 1857 से लेकर के बाद भी कहीं अपराइजिंग होती थी, कुछ होता था, तो सिखों को सैनिक के रूप में भेजा जाता था, दमन किया जाता। तो कहीं ना कहीं मन में तो आदित्य जी भावना पलती है ना कि हैं तो हमारे भाई लोग ही, लेकिन हमने उन पे गोलियां चलाई। ये अपराध बोध भी सिखों में घर कर गया। 15 अगस्त 1947 को बहुत सारे इस तरह के जो फौजी थे, ये रिटायर हो चुके थे, उन्होंने अंग्रेजों से मुलाकात की, कहा कि हमें डर लग रहा कि कहीं ऐसा ना हो कि इन लोगों का बैकलैश हो जाए हमारे ऊपर। जैसे पूरा हुआ, लेकिन इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद एक तरह से बैकलैश हो गया, दंगा हो गया, दंगे में निर्दोष लोग मारे जाते हैं, तो इनको ऐसा भय हो गया कहीं ऐसा तो नहीं हमारे साथ हो जाएगा, तो बेचारे भागने लगे। और उस भागने में इंग्लैंड ने इनको विशेष रूप से प्रश्रय दिया, कनाडा भी ब्रिटेन का वो था, डोमिनियन था, इसलिए उसने प्रेफरेंस दिया, उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया ने दिया, ये सारे भागने लगे। तो खालिस्तान की जो जड़ है वो भारत से लेके पाकिस्तान से लेके ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और थोड़ा बहुत अमेरिका, ऐसे करके हो गया वो। तो खालिस्तान की जो जड़ है वो वहीं जाती है, इसलिए वो नई बात नहीं है। लेकिन जैसे महाराजा रणजीत सिंह के समय दलीप सिंह को ईसाई बनाकर इनका आत्मविश्वास मनोबल तोड़ दिया गया, और उसके बाद आप देखते हैं ये सेपरेट इलेक्टोरेट और खालिस्तान के कारण जो भी बचा खुचा कहिए कि विश्वसनीयता थी सिख समाज की, वो भी समाप्त हो, क्योंकि खालिस्तान जो है वो आतंकवाद का रूप ले लिया उसने। पंजाब में और दिल्ली में आए दिन बम ब्लास्ट दुनिया जाना, आप जानते होंगे, कहा जाता है 40-45 हजार तक लोगों का की मृत्यु हुई है पंजाब में, और मैं दिल्ली में स्वयं प्रत्यक्ष दर्शी हूं, मैं 1985 से दिल्ली में हूं, मेरे सामने की बात है, कभी इस पार्क में, कभी उस पार्क में, कभी वहां, कभी यहां बम ब्लास्ट होते थे खालिस्तानी जो आतंकवादी थे उनके द्वारा। तो इसलिए ये पुरानी चीज है, ये आज की चीज नहीं, और उसको आपने बहुत सही पकड़ा, इसको आप पीछे से जोड़ के देखेंगे। और इसमें भी जो मुख्य तत्व है, उसमें मुख्य तत्व है गुरुद्वारा, जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो सबसे अधिक दकियानूस है, वो सबसे अधिक प्रगतिगामी, कहिए कि वो प्रगति विरोधी है। और भी बड़ी बात है भाई, हिंदू धर्म शास्त्रों का उन्होंने अध्ययन नहीं किया है, वो जानते नहीं है, उनका प्रयोजन ये होता है कि हम हिंदू से कितने दूर जाएं। एक आध जगह खुशवंत सिंह ने कुछ कुछ बातें लिखी हैं इस तरह की, लेकिन सच्चाई ये है कि भाई हिंदू परिवार से ही जो बड़ा भाई होता था, बेटा होता था, वो सिख बन जाता था। इसीलिए लंबे समय तक अंग्रेजों के चाहने पर भी जनगणना में इनके नाम नहीं आ पाते थे। और मैं आज भी कह रहा हूं, आज भी बड़ी संख्या में ऐसे सिख हैं और हिंदू परिवार हैं जिनमें आपस में शादी ब्याह हुआ है या हो रहा है। और मैंने तो पहले भी कहा कि ना, पगड़ी हटा दो तो कौन पहचानेगा कि मैं सिख हूं कि नहीं हूं, आप सिख हैं कि नहीं है। इसलिए ये जो है बड़ा ही कृत्रिम बनावटी चीज है, हर व्यक्ति का नाम में सिंह लगा दो, क्यों लगा दो भाई, उससे हो क्या गया? अपमानजनक शब्द है आदित्य जी, अपमानजनक शब्द है, जो नीची जाति के लोग हैं उनका नाम रखा हुआ इन्होंने मजहबी सिख। मुझे बताइए मजहब शब्द का प्रयोग उनके साथ क्यों किया गया है? भारतवर्ष में कोई पंथ मजहब नहीं हो सकता, मजहब तो केवल इस्लाम है। आप मजहब क्यों कह रहे हैं उसको, मजहबी सिख कहते हैं आप, और उनके साथ घोर भेदभाव होता है, ये आज होता है। और यही कारण है कि वही लोग जो है वो आज
ईसाई बन रहे हैं, आपको छोड़ रहे हैं। और भी जो है राधा स्वामी बन गए, कभी रामदास बन गए, इनके रैदास बन गए, इनके अनुयायी बन गए, उनके अनुयायी बन रहे, और संख्या उनकी लाखों में, जो उनकी बड़ी भीड़ होती है। इसलिए आपने बहुत उचित प्रश्न किया कि ये उसी समय से, लंबे समय से आई हुई चीज है, ये आज की नहीं। नहीं, देखा जाए तो मैं तो ये चाहता हूं कि ब्रिटेन पर भी यही वोटिंग का रूल लगाया जाए कि इंग्लैंड के लोग सिर्फ इंग्लैंड के लिए वोट करें, यूके के लिए नहीं वोट करें, और वेल्स के लोग, स्कॉटलैंड के लोग सिर्फ स्कॉटलैंड के लिए वोट करें, वेल्स के लिए वोट करें, आयरलैंड के लिए भी लोग सिर्फ आयरलैंड के लिए वोट करें। और मैं, अच्छा मुझे लगा कि लंदन का मेयर भी उन्हीं के हिसाब से बना है, तो बिल्कुल सही रूल फॉलो किया है वहां पे। तो भुगते वो अभी कर्म जैसे किया है वैसा भुगतना चाहिए। और भारतीय लोगों को मैं बोलूंगा, आपको किसी भी तरीके से यूके की चिंता करनी बंद कर देनी चाहिए, चाहे वो, चाहे वहां का प्राइम मिनिस्टर हिंदू ही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो आज बना है, वो तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है उनके लिए भी। तो इस बात का ध्यान रखिए, और दर्शकों इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, और आपको बहुत इसमें आनंद आएगा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और मेरे इन्होंने सारी चाबी दिमाग में डाल दी है सुरेंद्र जी ने। अब जो मेरी जो नई पुस्तक आने वाली है उसमें ये थोड़ा सा मैं इसमें टच करूंगा, मैं इनसे डिस्कशन करूंगा कैसे टच करूं मैं इसको, तो क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इनकी कम्युनिटी से पूरी दुनिया में, सो मैं वहां पे टच करूंगा। और मेरे जो दोस्त लोग देख रहे हैं, मैं आपसे पहले से माफी मांग रहा हूं, ये वीडियो आपको बहुत, तो बिल्कुल भी आप विचलित ना हो, पूरा वीडियो देखिए तब तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जो अच्छे दोस्त हैं मेरे, जो बहुत मदद करते हैं हम लोगों को, तो उनको भी मैं ये डिबंकिंग मिथोलॉजी चैनल है, तो ये भी आप समझ लीजिए कि हम लोग हर चीज को उखाड़ते हैं यहाँ पे और लगा के नई तरीके से रोकते हैं, और वास्तविक इतिहास से और रेफरेंसेस से लेकर आते हैं। तो मेरे जो दोस्त हैं, मेरा उनसे ये निवेदन है, खुले मन से देखिएगा, और आप मुझे जानते हैं पर्सनली कि मैं किसी से भी चिढ़ता नहीं हूं, आई डोंट हेट एनीवन। तो थैंक यू ऑल वेरी मच, और जय जगन्नाथ, जय श्री राम, राम का नाम लेते रहिए, उसके अलावा कोई और चारा नहीं है कहीं पर दुनिया में, बस उसके अलावा और भी चारा नहीं है, राम 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 सीता राम, तो लेते रहिए। और भगवान राम को जगन्नाथ भी बोला जाता है रामायण में, तो जगन्नाथ उनका भी नाम है, कृष्ण का भी नाम है, तो वो भी लेते रहिए। And I will see you in the next show. Namaste. चलिए सबको नमस्कार, सबको नमस्कार, जय हो, जय जय जगन्नाथ, जय जय जगन्नाथ।